बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अपना अधूरा काम एक रहता था छोटा सा, तो वो करने के लिए निकले हैं। कल का व्लॉग नहीं बना है मेरा, आज व्लॉग मैंने सेंड नहीं किया, आज बना रहा हूँ, कल को सेंड करूँगा। वजह वो एक वेबसाइट थी उस पर काम कर रहा था मैं, ब्लॉगर की वेबसाइट थी, तो कल पूरा दिन उसी पे गया है मेरा, तो वो कल मुकम्मल हो चुका था। तो आज हमारे जो बीज रहते थे लगाने वाले सब्ज़ी के, वो लगाने के लिए निकले हैं। क्यों, पिछले दिनों पानी लगाया था, उसकी वीडियो मैंने डाली है। तो आज ज़मीन नरम है जिसकी वजह से बीज भी अच्छे तरीके से लग जाएगा, तो वो तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। नहीं ना, जमीन ज्यादा नरम है, पानी अभी परसों लगाया है, तो सारे पांव खराब हो गए हैं। ये देखें क्या हालत बन गई है जहाँ से हम गुजर के आए हैं। तो बस ये जो यह जिशान ऊपर आ जाए, मुझे पता पढ़ क्यों नहीं होता कितने जमीन ज्यादा नरम है, इसलिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस ऐसे ही लगाते जाएंगे। ओए ओए, तू इधर आना सी यार। नहीं, मेरे पैर नहीं होते। क्यों, मैं पीछे नहीं आई, इतने ही होने। नहीं ओए, इतने ऑफिस नहीं पैर दी नहीं गल, जमीन ज्यादा नरम है ना, एदा की करना। मैं इथे वापस आ बिजी हां, केड़ी शायद मैं दे भी नहीं पता यार, पता नहीं पर लगाने पता नहीं क्या है हम कोई समझ नहीं है। ओ इधरों ही आया सीधा, क्यों मैं ओथे मरचा लेने आया सी, ओ तोड़ने कौन खलो जा। आ जा यार इथे बैठ जा। ये केड़ी शायद है, तुसी किधरों आए? ये लड़का साथ है, इसको पता है। बस मैं तो बस हल्ला गुल्ला करने आया। ਇਹਦੇ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ 2-2-3 ਬੀਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਲਗਾਤੇ ਰਹਿਗੇ ਹਮ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਬ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦੇਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਮਾਲ ਮੈਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਸੀਨਾ ਰੁਕਣੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ये बस ऐसे ही लगाते जाना है। केड़े ला रहे हैं? करेले। हो या तेनू पता होना, तू उ बैठा इन्नी दूर, बस ठोकी है। ये मेरा दोस्त है वो लगा रहा है, मैं कैमरा पकड़ा हुआ है, क्यों मुझे तो इतना पता नहीं है। हमें लगाने का पता है, बस खाने का पता है हमें। सही कह रहे हैं, सर खाने का पता सानू, उग तो सारे जाने हैं, जमीन बहुत नरम है। ये टिंडे के छोटे छोटे से बीज हैं, ये देखें, ये टिंडे के बीज हैं, टिंडी के टिंडा। ये तो किसी अन्य हाथ भी फड़ाएंगे ना, उन्होंने भी पता चल जाना कि बीज है। बस हो रही है काफ़ी है, आज हवा भी नहीं चल रही है, तो दर्जा हरारत तकरीबन 41 पे जा रहा है, मैंने अभी चेक किया। ये आज मूड था मेरा लगाने का, क्यों काफ़ी दिन हो गए हैं दरमियान में अटक रहा है ये काम, क्यों टाइम भी जा रहा है, तो इसीलिए आज तो सोचा हुआ था ये लगाने हैं। बस ये थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमारा लगाने में। इन बीजों का हमें नहीं पता है किसके बीज हैं, बस ले आए थे, तो ये जब उगेंगे कुछ लगेगा फिर ही बता भी देंगे क्या क्या है। ये हमारी धड़ है ना जो तुड़ी की, इसके आसपास ही लगा रहे हैं, ये देखें बीज हमारे लग गए, तो पाँव की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है।
ये देखें काफ़ी एक बीज रह गए हम भिंडी के, वो किनारों पे लगाएंगे और उसके बाद ट्यूबवेल पे जाएंगे, उधर ही सब कुछ धोएंगे जो धोने वाला है, हाथ और पाँव। ये हम ज़मीन की किनारे पे लगाएंगे, तो बस यही थोड़े से ये लगा के फिर हम हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये इसके किनारे पे लगाएंगे तोड़ तक इधर से, ये ऐसे ही तोड़ तक हम लगाएंगे इसको। बस अब ट्यूबवेल पे जाएंगे, जो ये धोने वाला है वो धोएंगे, फिर उसके बाद वापसी। और आज एक नई बात है कि वो जो हमारी मक्की थी फुल्ले वाली, वो भी खुश्क हो चुकी है, वो भी ट्राई करके देखेंगे आज क्या बनता है उसका। ये ट्यूबवेल चल रहा है हमारा, तो इधर ही सब कुछ धोएंगे। वो लड़के के भी पाँव ख़राब हैं, दोस्त है जो मेरा, तो मेरे भी ख़राब है। सब कुछ धो लिया, तो बस हमारे पास यही है, एक फारक टाइम में इधर निकल आते हैं। तो सुबह से निकला भी नहीं जाता है, एक तो हालात आपके सामने हैं जो लॉकडाउन की वजह से चल रहा है हालात पाकिस्तान के, तो कहीं निकला भी नहीं जाता है। नहीं तो मूड करता है कहीं बाहर का माहौल दिखाएं, कोई नई जगह ढूंढें आपके लिए, आप दोस्तों के लिए, मगर जब तक ये हालात ऐसे हैं तो फ़िलहाल तो आसपास में देख रहा हूँ कोई नई जगह, कोई ऐसा नई चीज़ मिल जाए जो आपको दिखाई जाए, जो मैंने भी ना देखी हो, और आप दोस्तों को भी दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं। तो बस ये सुबह से जो घर में बैठ बैठ के जो बोर होते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए ऐसे बाहर निकलते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला ऐसे कर लेते हैं। तो सो अब घर से कॉल आई है, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना है, तो पानी पीने के बाद घर का खाना हमारा तैयार है, सब खाना खा रहे हैं, तो वो खाना खाना है। अब्बा जी का सख्ती से पैगाम आया, फुल्ले जो रहते हैं हमारे वो पिछली वीडियो में मैंने बनाए थे, नहीं बने हैं, तो आज हम बनाएंगे उन्हें। ये मैंने मक्की ले ली है थोड़ी सी बनाने के लिए, खुश्क हो गई है, ये देखची मैंने रख ली है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उस दिन की तरह। तो ये सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ही लेता है, ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ये मुकम्मल ये जो मक्की है ये डाल देंगे। जब ये फुल्ले बनने लग जाएंगे तो इस पर ढक्कन दे के, वो भी आप दोस्तों को साथ साथ दिखाऊंगा। मेरे पास ये पकड़ने के लिए ऐसे ये हम बना के रखी हुई हमने, इसकी तो ज़रूरत पड़ती है कि इसको हिलाना पड़ेगा साथ। ये देखें फुल्ले बनने शुरू हो गए हमारे, तो अब हम इस पे देंगे ढक्कन, तो इसको अब ऐसे हिलाते रहेंगे। ये अभी मक्की फुल खुश्क ना होने की वजह से ऐसे बने, तो बन गए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बने हैं, ये देखें आज कुछ बन चुके हैं। बस यही आप दोस्तों को दिखाना था कि ये कैसे बनते हैं और क्या तरीका कर रहे हैं। आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, शुरू में नाम मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।